मुझे बस यही लग रहा था कि मैं अपने घर पहुंच गया और ये मेरे लिए ये कोई डिफरेंशिएट नहीं था कि मैं वाघा बॉर्डर पे अमृतसर पे हूँ, दिल्ली में हूँ कि बम्बई में हूँ, मैं बस अपने घर में था। मैं उनके बारे में बस यही कहना चाहता हूँ, कह सकता हूँ, और ये सच्चाई भी है कि अगर बोलते हैं ना कि फरिश्तों को अगर इंसान के रूप में देखना है तो ये लोग थे मेरे लिए। रक्षंदा मैडम जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थी और जो मेरे वकील थे काजी मोहम्मद अनवर साहब, तो इन्होंने भी, इनकी ही मेहनत थी जो मैं अपने यहाँ पे बैठा हूँ अपने घर वालों के साथ। वो तो हम लोग खाली वहाँ पे थोड़ा सा वक्त गुजारने के लिए सब काम करते रहते थे, लेकिन इन चीजों पे मतलब खाली हॉबी के तौर पे कर सकते हैं, लेकिन वो एक प्रोफेशन के तौर पे नहीं लेना चाहिए। मैंने पहले भी उनका बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया किया और अभी भी करता हूँ और आइंदा भी करता रहूंगा उन लोगों का शुक्रिया, क्योंकि ऐसा था कि मैं तो वहां पे था, मुझे पता ही नहीं चला था मेरे पीछे क्या हो रहा है, लेकिन जब यहाँ पहुंचा और फिर पता चला कि ये एक दो लोगों का काम नहीं, ये इतने पूरा एक मुल्क मेरे साथ था, मेरा पूरा देश के हर बंदा मेरे साथ था, तो मैं तो हर एक देशवासी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। बस यही था कि जैसे हम हैं वैसे वो भी हैं, तो अच्छा ही वक्त गुजरा वहां पे उन लोगों के साथ भी। सबसे जरूरी मैसेज ये है कि अपने माँ बाप से और अपने बड़ों से कोई चीज मत छुपाना, और उनको पूरे कॉन्फिडेंस में हर चीज बताओ, चाहे छोटी हो, बड़ी हो, अच्छी हो, बुरी हो, हर चीज अपने घर वालों को बताओ।